टीवी शो ये है मोहब्बतें के जरिए लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपना जन्मदिन मना रही हैं। दिव्यांका त्रिपाठी बेशक आज शादीशुदा हो और हंसी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो, लेकिन एक वक्त पर वो गहरे सदमे में पहुंच गई थी और उससे उबरना उनके लिए काफी मुश्किल था। ये वो दौर था जब उनका अपने को स्टार शरद मल्होत्रा के साथ 9 साल लंबा रिश्ता टूटा। दिव्यांका और शरद मल्होत्रा का अफेयर साल 2006 में शुरू हुआ था। उस वक्त दोनों टीवी शो बनू मैं तेरी दुल्हन में साथ काम कर रहे थे। इसी शो के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन दिव्यांका और शरद मल्होत्रा ने पब्लिक में अपने आपसी रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा और बाकी सेलिब्रिटीज की तरह बस यही कहते नजर आए कि वो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक दो साल पहले ही दोनों ने पब्लिक में अपने रिश्ते को कबूला और फिर उसके कुछ ही महीनों बाद वो अलग हो गए। इस ब्रेकअप को दिव्यांका सहन नहीं कर पाई और जब भी वो अकेली होती तो रो पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस सदमे से उबरने लगी और इसमें उनकी माँ और घर परिवार ने भी खूब साथ दिया। इसके बाद दिव्यांका की जिंदगी में एंट्री हुई विवेक दाहिया की। दोनों की मुलाकात टीवी शो ये है मोहब्बतें के दौरान हुई और फिर दोस्तों के जरिए मिलने के बाद दिव्यांका और विवेक की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।